6 नवंबर की संध्या विधान 513 में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम सीमा पर था। इस विधान में मानो हर दिन श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन होने वाले संध्याकालीन आरती में भक्तगण झूमते गाते नजर आए। महाआरती के बाद बेलगछिया के पारस मंडल संस्था के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मंगलाचरण के पश्चात हिंद मोर्चा की संस्था शाश्वत महिला मंडल के द्वारा एक अद्भुत नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसका नाम था थर्ड वर्ल्ड वॉर। नाटक में शामिल हर एक कलाकारों ने अद्भुत अभिनय का परिचय दिया। इंसान के खून का प्यासा हो जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान सारे इंसानियत को भूल जाए, कैसे मुमकिन है। इसके पश्चात एक शाम प्रभु के नाम संगीत कार्यक्रम हुआ, जिसमें नामचीन गायक ऐश्वर्या भंडारी, सुष्मिता भंडारी और मोहन कुमार भंडारी के द्वारा भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति की गई। इन गीतों को सुन लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और हमारे साथ आपको भी घूमना है और गाना है इसके साथ। संध्याकालीन कार्यक्रम में लोग जुड़ तो रहे हैं और साथ ही साथ अपनी राय भी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ का प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा, गाने का जो आज भंडारी परिवार आया है उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया और हम लोग का मनोरंजन किया। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही बढ़िया हो रहा है, हमें बहुत ही मजा आ रहा है और ये जो शाम को हर दिन प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। जो प्रोग्राम हुआ है बॉम्बे से आर्टिस्ट आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सब ने बहुत अच्छा गाया है। और इसके पहले एक प्रोग्राम हुआ था जो हमारे ही कलकत्ता के हिंदमोटर समाज ने किया था, वो भी बहुत ही अच्छा हुआ था। वो प्रोग्राम लगभग 20 मिनट का था। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के उपलक्ष्य में हिंदमोटर ने संस्था ने जो स्वास्थ्य संस्था है उसने जो प्रोग्राम दिया वो बहुत ही काफ़ी सराहनीय है।
उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम जैसे ऑडिटोरियम में दिया था उस तरह से दिया। यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो रहा और संगीत प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रहा, पूरी व्यवस्था ठीक है। ऐसे ही दसों दिन ये प्रोग्राम चलेगा। मैं सभी से प्रार्थना है कि सभी ये प्रोग्राम देखें और यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होए। बहुत अच्छा लग रहा है, शिव चक्र विधान बहुत मजा आ रहा है, इतना भक्ति भाव और कलकत्ता में पहली बार ऐसा मजा देख रहा है। ये एक ऐतिहासिक विधान हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही आनंद आ रहा है हम लोगों को। ये शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है आज, जहाँ यहाँ बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हो रही है सभी संस्थाओं के द्वारा। और कलकत्ता के आप आदमी देखिए कैसे झूम झूम करके उनका सहयोग दे रहे हैं, अभी तो रात के 10 बज रहे हैं फिर भी इतना बड़ा इनका प्रस्तुति दे रहे हैं, इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ इन सब जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया इतना बढ़िया तरीके से। आइए प्रातःकालीन और संध्याकालीन कार्यक्रम से जुड़कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।